अगली खबर लतीफपुरा दे पीड़ित लोकां दी एक जित दी है, जिथे ये कह सकते हैं कि चाहे ये जित संघर्ष के कारण होवे चाहे जलंधर जिमनी चोणां दे कारण, पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों आने वाले दिनों दे विच पीड़ित लोगों नूं कुछ राहत जरूर दिती जा सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों जलंधर सुधार ट्रस्ट के नाल बैठक की गई है, जिस मौके पर उन्हां वालों आदेश अधिकारियों नूं जारी कर दिते गए ने कि फौरी तौर पर प्रबंध किए जान मुड़ वसेवे दे उन्हां लोगों के लिए जिन्हां लोगों नूं उजाड़िया गया, जिन्हां दे कोल कोई भी होर साधन नहीं है रहन दा, उन्हां दे लई जिहड़े ने फ्लैट ने वह भी अलॉट किए जा सकते हैं। इतने अहम तौर पर जानकारी दे दईए कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों यह भी आदेश जारी किए गए ने कि शनाखत की जाए उन्होंने लोगों की जिन्हों के कोल रहन वसेरे का होर कोई भी प्रबंध नहीं है, उन्होंने सरकार आने वाले समय के दो दो लाख रुपए मुड़ वसेवे के तहत भी दे सकती है। लगातार जरा लतीफपुरा मसले को लैके जो मोर्चा है वह भी कायम है, बीते दिन मोर्चे वालों रेलवे ट्रैक ते हाईवे जाम भी किया गया सी, अते इस चलदे ही हुण मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस मोर्चे दे विच इस मसले दे विच दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आए। हालांकि हजे तक कोई भी मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों पीड़ित लोगों के नाल नहीं की गई, पर जलंधर जिमनी चोणां का असर कह सकते हैं कि हुण मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अधिकारियों नूं सख्त आदेश देंदे हुए अते इस नाल ही ताड़ना करते हुए भी नजर आए ने कि जलंधर दे सुधार ट्रस्ट के अधिकारियों वालों इस मसले को हजे तक निजिठिया क्यों नहीं गया। जिक्रयोग है कि लतीफपुरा के विच सरकार वालों किए गए उजाड़े तो बाद जिहड़े आम लोग ने जो पीड़ित लोग ने वो कई हफ्तों तो तंबू बना के ही उत्थे रह रहे ने, अपना गुजारा कर रहे ने, अते किसान जथेबंदियां मजदूर जथेबंदियां की अगवाई दे विच मोर्चे वालों लगातार अपने संघर्ष नूं तिखा करन की चेतावनी भी दिती जा रही है। अते बीते दिन जिस तरह जिहड़ा हाईवे जाम करके ये जो ऐलान किया गया मोर्चे वालों कि आने वाले दिनों के 26 जनवरी को राज्यपाल के आने के मौके पर उन्होंने वालों प्रदर्शन किया जाएगा अपनियां मंगां नूं लैके, अते उस दे नाल ही दूसरे पासे ये खबर सामने आ जाती है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस मसले ते जिहड़े आदेश ने वो जारी कर चुके ने। मुख्यमंत्री वालों बीते दिन जलंधर प्रशासन के नाल बैठक की गई है, जिथे वो जलंधर प्रशासन तो खफा भी नजर आए ने कि क्यों हुण तक इस मसले नूं निजिठिया नहीं गया। इत्थे ये भी जिक्रयोग है कि इस तो पहला जलंधर प्रशासन वालों अपने पद्धर से कुछ कोशिशां जरूर कीतियां गई ने कि इन्हां जो मोर्चे दे विच प्रदर्शनकारी ने जो पीड़ित लोग ने उन्हां दे नाल गलबात की जा सके, हल किया जा सके, पर यह गल आखी जा रही है मोर्चे वालों की जब तक उन्हां दीआं पूर्ण मंगां नहीं मनिया जांदियां, उन्हां नूं मुड़ वसेवा नहीं दिता जांदा, उन्हां नूं मुआवजा नहीं दिता जांदा, अते नाल ही उन्हां दे नाल बदसलूकी करन वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिहड़ी है बनती कार्रवाई नहीं की जाती, उन्हां वालों अपना संघर्ष जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों जलंधर सुधार ट्रस्ट के अधिकारियों नूं आदेश जारी करते हुए आख्या गया है कि फौरी तौर पर मुड़ वसेवे के प्रबंध किए जाण, अते इस दे नाल ही उन्हां लोगों दे दी शनाखत की जाए जिन्हों के कोल होर किते भी रहन का कोई साधन नहीं है। पंजाब सरकार यह भी विचार कर रही है कि गरीब परिवारों नूं नगर सुधार ट्रस्ट के फ्लैट ने जिहड़े वो अलॉट किए जा सकते हैं। इत्थे भी दस दिए कि लतीफपुरा दे विच जिहड़े उजड़े परिवार ने उन्हां दे नाल हजे तक सरकार वालों कोई भी ढंग की गल कह सकते हैं नहीं की गई सी, पर हुण जिहड़ा पंजाब सरकार है उन्हां वालों आने वाले दिनों दे विच एक राहत की खबर है जिहड़ी वह पीड़ित लोगों नूं दिती जा सकती है। एक होर अहम पक्ष इस मीटिंग का सामने आया है कि मीटिंग दे विच ये पक्ष उभरिया है कि जिहड़े तकड़े लोग ने जिहड़े तनाड़ लोग ने जिन्हां दा लतीफपुरा दे विच नजायज कब्जे सन, जब उन्होंने हटाया गया तो उन्होंने वालों गरीब लोगों को भरमा के संघर्ष करवाया जा रहा है। हालांकि ये सरकार वालों अपनी मीटिंग दे विच रखिया पक्ष है, असल जो है वह मोर्चे दे विच बैठे जिहड़े संघर्षकारी ने जो पीड़ित लोग ने उन्हां तो ही जाणिया जा सकता है। बीते दिन पीड़ित लोगों वालों जलंधर लुधियाना हाईवे ते ट्रैफिक जाम किया गया, 4 घंटे दे लई सड़की आवाजाई अते रेलवे ट्रैक की आवाजाई ठप की गई। इस मौके पर मोर्चे के आगुआ वालों आख्या गया कि सरकार अपने भरम भुलेखिया बाहर आ जाए, क्योंकि गुरुआ अकाली कूकिया गदरी बाबिया भगत सराबिया के वारस हुण थकन वाले नहीं ने। मोर्चे के आगुआ वालों यह भी ऐलान किया गया कि मंगा के निपटारे लिए दिन रात मोर्चा इस तरह जारी रहेगा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।